हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। और हम अब नया टॉपिक देख रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग। ठीक है, चलिए। और इसके पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर राउटिंग। ठीक है, और उसमें क्या होता था? रिजर्वायर राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज स्टोरेज किसके ऊपर डिपेंड करता था? हेड के ऊपर, एलिवेशन के ऊपर, है ना, एच लिख दे रहा हूँ मैं। और डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता था? डिस्चार्ज भी डिपेंड करता था हेड पे, और हेड डिपेंड करता था टाइम पे। ये सब हमने देखा था, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि स्टोरेज डिपेंड करता था डिस्चार्ज पे, आउटफ्लो डिस्चार्ज पे। आउटफ्लो डिस्चार्ज डिपेंड करता था हाइट पे। दोनों हाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। रिजर्वायर राउटिंग में हमने ये देखा था। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं चैनल राउटिंग में क्या होता है। देखो, चैनल और रिजर्वायर में आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला जो हमारा आया था उसमें बताया था मैंने आपको कि रिजर्वायर में राउटिंग में क्या होता है, स्टोरेज ज़्यादा रहता है ना, और पानी आके भरता जा रहा है। बस लेवल कैसा होगा उसका, बेड से पैरलर होगा रिजर्वायर में। रिजर्वायर में आपका जो चैनल या पानी का एलिवेशन है वो चैनल बेड के कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा पैरलर। बता देता हूँ मैं, मान लेते हैं हमारा चैनल बेड एकदम हॉरिजॉन्टल है रिजर्वायर का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका चैनल बेड। ये मैंने ले लिए दो सेक्शन, और इन दोनों सेक्शन के बीच के एरिया को हम बोल देते हैं रीच, है ना। हमने बता चुका हूं मैं आपको पहले भी कि जब भी हम कोई स्टडी के लिए दो सेक्शन लेते हैं तो उनके बीच के एरिया को रीच बोलते हैं। रीच रीच, है ना। मान लो ऐसे मैंने अगर चार सेक्शन ले लिए किसी रिवर में, तो ये तीन रीच बन गई, है ना। और हमारे रिजर्वायर राउटिंग में क्या होता था? ये जो एलिवेशन रहेगा ये कैसा होगा? स्ट्रेट बनाना आप, ठीक है, मेरा स्ट्रेट नहीं बनता है, आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाना इसमें। ठीक है, ये कैसा होगा? एकदम पैरलर होगा। ठीक है, कैसा होगा? एकदम पैरलर होगा। ठीक है, ये चैनल बेड के एकदम कैसा है? पैरलर है। ठीक है, यही हो रहा था रिजर्वायर राउटिंग में भी कि चैनल बेड के पानी के एलिवेशन कैसा था? पैरलर था। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं चैनल रूटिंग। ठीक है, चैनल रूटिंग मतलब किसी रिवर की रूटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, या कोई ओपन चैनल फ्लो है ना, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, डिपेंड करता है ना। तो उसमें क्या होता है, पानी तो आ रहा है किसी भी लेवल में, है ना, इनफ्लो आ रहा है, और आपका पानी क्या होगा? अप डाउन होता रहेगा। ऐसा पक्का थोड़ी है कि एक ही लेवल में रहेगा। रिजर्वायर में हमारा एक ही लेवल में रहता है ज्यादातर, है ना, या बढ़ता भी है तो चैनल बेड के पैरलर ही बढ़ता जाता है पानी। ठीक है, लेकिन चैनल रूटिंग में ऐसा नहीं होता। चैनल रूटिंग में तो एक चैनल है, एक रिवर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं एलिवेशन बहुत ज्यादा है ना, या पानी बह के आ रहा है तो कोई वेव फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमारा मान लो कहीं पे देख लेते हैं इसको, कहीं पे मान लो बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे कम हो जा रहा है कहीं रीच में, कहीं पे ऐसे बढ़ जा रहा है पानी, ठीक है, फिर कहीं पे ऐसा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता रहेगा, है ना। तो ये क्या है गया, ये कुछ एक यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ ज़्यादा पानी आ गया, है ना, और यहाँ पे पानी कुछ कम आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, है ना, चैनल राउटिंग में हमारा लेवल एक सा नहीं रह सकता, कोई भी कहीं भी बढ़ सकता है और कहीं भी घट सकता है। हाँ, लेकिन एक पैरेलल लाइन तो तब भी रहेगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि कुछ हाइट तक पानी तो पैरेलल हो जाएगा ना। मान लो चैनल बेड है, यहाँ पे चैनल बेड है, इसके 7 मीटर या 5 मीटर तक, मान लेते हैं 5 मीटर तक मेरा पानी पैरेलल है, पूरे में 5 मीटर है। अब उसके बाद कहीं कहीं सेक्शन में ये 7 मीटर हो जा रहा है, कहीं कहीं सेक्शन में ये 3 मीटर रह जा रहा है, कहीं कहीं सेक्शन में ये 2 मीटर भी रह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आ गई। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के स्टोरेज आ गए हैं। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टोरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ आपको चैनल रिजर्वायर राउटिंग में क्या होता है,
आप पानी अपने मन से आ रहा है, इनफ्लो रिजर्वायर आर्टिफिशियल है ना, आप अपने मन से ला रहे हो, ले जा रहे हो, आउटफ्लो कर रहे हो, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये चैनल रूटिंग है, ठीक है। चैनल रूटिंग मतलब हमारा चैनल बना हुआ है, पानी आ रहा है और जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फ्लो यूनिफॉर्म था, यहाँ पे फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, या बोल सकते हो आप अनस्टडी है, स्टडी भी नहीं है, ठीक है। फ्लो कैसा है, अनस्टडी है, ठीक है। तभी क्या हो रही है, एलिवेशन कहीं बढ़ जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है। तो यहाँ हम दो टाइप के स्टोरेज लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टोरेज दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा यहां मैं बताता हूं आपको। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि ये पानी है ना, ये हमारा चैनल बेड है और ये कोई चैनल है, ठीक है। अब इसमें यहां तक तो पूरा यूनिफॉर्म है, इस हाइट तक, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे लेवल क्या हो जा रहा है, बढ़ या घट रहा है। तो मान लो बढ़ जा रहा है, कुछ ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर के पार्ट को या नीचे के पार्ट को पहले बताता हूं। नीचे के पार्ट को हम बोलेंगे, नीचे के पार्ट को बोलेंगे प्रिज्म स्टोरेज, नीचे के पार्ट को बोलेंगे प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है। आपने प्रिज्मेटिक चैनल देखा होगा, ओपन चैनल फ्लो में आपको पता भी होगा, ये तो नॉर्मल टर्म है। प्रिज्मेटिक चैनल कैसा होता है, प्रिज्मेटिक चैनल जो अपना डायमेंशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। डायमेंशन चेंजेस नहीं करता, ना डेप्थ में ना विड्थ में, ठीक है। उसी चैनल को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा चैनल जो कॉन्क्रीट से बना हो, है ना, जिसकी बाउंड्रीज क्या हो, रिजिड हो, ठीक है, चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो वहां इसलिए हम इस स्टोरेज को क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म स्टोरेज, मतलब ये हाइट तो हमारी रहेगी, अब इसमें से कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकता है, ये हमारी एवरेज हाइट तो है ही। तो ये एक हो गया आपका प्रिज्म स्टोरेज का पार्ट चैनल में, और एक जो बढ़ता घटता रहता है, वेरी करता रहता है, उसको हम बोलते हैं वेज स्टोरेज। इस पार्ट को हम बोलते हैं वेज स्टोरेज, ठीक है। ये कैसा है, ट्रायंगल शेप का, आपने देखा होगा वेज, है ना, ये आपका इधर भी लग जाता है, लकड़ियों में भी एक टर्म आता है, जब आप, है ना, लकड़ियां काटते हो तो एक टुकड़ा रहता है ट्रायंगल वाला, या टेपर्ड शेप, कोई भी टेपर्ड शेप हो। टेपर्ड शेप मतलब कैसा होता है, टेपर्ड शेप सॉम में पढ़ा होगा, है ना, आगे से बड़ा पीछे से चौड़ा, है ना, या फिर पीछे से आगे से चौड़ा पीछे से छोटा, है ना, ऐसा करके जो शेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेपर्ड शेप। और ऐसे ही हमारा वेज स्टोरेज होता है जो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था कि स्टोरेज यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमारे जो रिजर्वायर राउटिंग था उसमें क्या होता था, स्टोरेज किस पे, हेड पे, या बोल सकता हूँ मैं आउटफ्लो डिस्चार्ज पे मेन डिपेंड करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिज्मेटिक स्टोरेज लेके चलूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टोरेज इज इक्वल्स टू प्रिज्मेटिक स्टोरेज, है ना, या प्रिज्म स्टोरेज, सॉरी प्रिज्म स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज, ऐसा लिख सकता हूं मैं। दोनों को मिला के ही तो ये टोटल स्टोरेज बनेगा, है ना, दोनों को मिला के ही हमारा क्या मिलेगा, टोटल स्टोरेज, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, प्रिज्म स्टोरेज मतलब आप पूरा रिजर्वायर राउटिंग लेके चलो, ठीक है। तो रिजर्वायर राउटिंग में मैंने आपको यहां पे समझाया भी था अभी एक शॉर्ट, उसमें शॉर्ट नोट में, कि हमारा जो स्टोरेज है वो किस पे डिपेंड था। रिजर्वायर राउटिंग में मैंने आपको पहली एक लाइन भी लिखवाई थी कि ये किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ आउटफ्लो पे, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा था ये, सिर्फ आउटफ्लो पे, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा था, आउटफ्लो डिस्चार्ज पे। तो मैं बोल सकता हूं स्टोरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटफ्लो डिस्चार्ज, है ना। लेकिन ये जो वेज स्टोरेज है, ये जो वेज स्टोरेज है, ये जो मेरा वेरी कर रहा है लेवल, है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। ये मान लो मेरा कोई ऐसा चैनल है, चलो यहीं देख लेते हैं, ऐसा मेरा कोई चैनल है, ठीक है। अब इसमें पानी आ रहा है कहीं से और कहीं पे पानी जा भी रहा है, ठीक है। और आने जाने में जो डिफरेंस आएगा, आने और जाने में जो डिफरेंस आएगा, वही तो मेरा वेज स्टोरेज कहलाएगा, क्लियर है।
है ना। जैसे क्या हुआ, मान लो कोई बाथरूम है आपका, ठीक है, इसमें आपने एक बाल्टी पानी उड़ेला लेकिन गया आधा बाल्टी, ठीक है, तो थोड़ा सा कोई रह गया स्टोरेज आपका, है ना, तो वही क्या हो गया आपका वेज स्टोरेज। उसी का ही तो क्या होगा, एलिवेशन अलग होगा। प्रिज्म स्टोरेज में क्या होगा, आपका इनफ्लो भी सेम आ रहा है, आउटफ्लो सेम जा रहा है, तो तभी तो प्रिज्म बनेगा, है ना, तभी तो एक एलिवेशन कॉमन रहेगा। लेकिन अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर नहीं है तब मेरा क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जब इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है, इनफ्लो आने वाला चीज और जाने वाला चीज बराबर है, और तभी तो मेरा ये एक लेवल बना रहेगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिज्म स्टोरेज। इसलिए किस पे डिपेंड कर रहा था, आउटफ्लो डिस्चार्ज पे, कि आउटफ्लो इनफ्लो के बराबर होना चाहिए तभी मेरा प्रिज्म बनेगा। वेज में क्या होगा, आउटफ्लो और इनफ्लो, सॉरी इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो वेज स्टोरेज किस पे डिपेंड करेगा, वेज स्टोरेज डिपेंड करेगा, स्टोरेज इसका कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के ऊपर। क्लियर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के ऊपर, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, अगर आप लिखना चाहोगे तो आप पॉज करके लिख सकते हो, है ना, मैंने अभी तक आपको अच्छे से समझा दिया है कि प्रिज्म क्या होता है और वेज क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म लिख लोगे, इट इज द वॉल्यूम दैट वुड एग्जिस्ट इफ यूनिफॉर्म फ्लो अकर्ड, सॉरी फ्लो छूट गया लगता है, यूनिफॉर्म अकर्ड, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्ड एट द डाउन स्ट्रीम डेप्थ। मैंने बताया जब जब हमारा फ्लो यूनिफॉर्म होगा तभी प्रिज्म स्टोरेज बन पाएगा, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। और चैनल रूटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हमारा वेज स्टोरेज आएगा ही, ठीक है, जब तक आपका कोई आर्टिफिशियल चैनल नहीं है और आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिजर्वायर में ये पॉसिबल था, हमारे हाथ में था, ठीक है। डेप्थ, दैट इज द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय एन एनर्जी इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू द चैनल बेड बॉटम, ठीक है, मैंने बताया आपको प्रिज्म स्टोरेज में क्या होता है, चैनल बेड के पैरेलल होती है हमारी फ्लो की हाइट, तभी हम उसी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, प्रिज्म स्टोरेज। और जहां हाइट वेरी कर रही है आपके चैनल बेड से, उस स्टोरेज को आप बोलोगे वेज स्टोरेज। टोटल स्टोरेज ये दोनों को मिलके बनेगा, है ना, कुछ पार्ट तो प्रिज्म रहेगा, है ना, हाइड्रोग्राफ में भी देखते हैं हम, कुछ तो बेस फ्लो चलता है ना, हाइड्रोग्राफ जो ऐसा बनता है, मान लो हाइड्रोग्राफ ऐसा जो बनता है, ये ऐसा हाइड्रोग्राफ जो बनता है उसमें ये बेस फ्लो तो कॉमन रहता है ना, जो बेस फ्लो उसको कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है वो तो कॉमन रहता है, बस जो वेरी करता है वो क्या होता है, वेरी जो करता है वो हमारा रन ऑफ जो बारिश के कारण आ रहा है उसके कारण ही वेरी करता है। तो अगर आप सिंपल टर्म में बोलना चाहो तो नीचे वाला जो बेस फ्लो है वो क्या हो गया, मेरा प्रिज्म स्टोरेज, है ना, और अच्छे से अगर बता रहा हूं मैं, नीचे वाला पार्ट जो बेस फ्लो है वो क्या हो गया, प्रिज्म स्टोरेज, जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास आ रहा है वो क्या हो गया, आपका वेज स्टोरेज, ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो देखो वेज के देख लेते हैं, वेज का क्या है, वेज का भी लिख लो आप, डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज अ वेज लाइक वॉल्यूम फॉर्म्ड बिटवीन एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल एंड टॉप सरफेस ऑफ द प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेज वॉल्यूम है जो क्या है, एक्चुअल प्रोफाइल तो ऐसी नहीं होगी पैरेलल हमेशा पानी की, हमेशा दिखती है क्या ऐसी नेचुरल में या फिर आर्टिफिशियल में, नहीं ना, है ना, तो इसके ऊपर जो एक्चुअल है अपॉन नीचे क्या है आपका प्रिज्म, जो पैरेलल है स्टोरेज बेड के, उस बीच की वॉल्यूम को मैं क्या बोलूंगा, वेज स्टोरेज, ठीक है। चलो और लिख लेते हैं, एक्चुअल वाटर प्रोफाइल टॉप सरफेस ऑफ द प्रिज्म एट अ फिक्स्ड डेप्थ एट अ डाउन स्ट्रीम सेक्शन ऑफ अ रिवर रीच द प्रिज्म स्टोरेज इज कॉन्स्टेंट वाइल द वेज स्टोरेज चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू एट एन एडवांसिंग फ्लड टू अ नेगेटिव वैल्यू ड्यूरिंग एन रिसीडिंग फ्लड, ठीक है। जैसा हमने यहां देखा, ये लेवल हम मान ले रहे हैं प्रिज्म स्टोरेज है, ठीक है, तो जब फ्लड नहीं था, कम था पानी, तो ये वेज नेगेटिव हो गया, यहां पर यह कैसा हो गया, यहां पर यह नेगेटिव हो गया, ठीक है, बाद में जब फ्लड आया ज्यादा हो गया पानी, तो यहां पे ये पॉजिटिव हो गया, बाद में फिर ये
नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको आप हाइड्रोग्राफ में भी समझ सकते हो, जैसे कि ये बन गया मेरा हाइड्रोग्राफ, ये बन गया मेरा कोई हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो ये एरिया जो राइजिंग एरिया है, देखो ये जो राइजिंग एरिया है ना, यहाँ पे क्या होगा, पानी ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वेज होगा, वेज स्टोरेज वो कैसा होगा, यहाँ पे वेज स्टोरेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरा फ्लड बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। अब वैसे ही इनफ्लो कम हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तभी तो पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज बढ़ते जा रहा है। इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो मेरा वेज आ गया पॉजिटिव। अब जब ये रिसेशन या फॉलिंग लिंप आया है ना, हाइड्रोग्राफ में देखा था हमने फॉलिंग लिंप, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मेरा वेज नेगेटिव हो गया। इस पार्ट में वेज कैसा हो गया, वेज वॉल्यूम या वेज स्टोरेज कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया। वेज स्टोरेज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि इनफ्लो कम है अब और आउटफ्लो ज्यादा है। अब इनफ्लो पानी आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है ना, तो सॉरी यहां पे क्या हो रहा है, जा ज्यादा रहा है, यहां पे गिर रहा है ना, क्योंकि आने वाला इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है ना। ये बोल सकता हूं मैं कि हाँ, आने वाला पानी कम आ पा रहा है, क्योंकि अब मेरा पीक मिल चुका है, मुझे बारिश भी बंद हो गई है मान लो, तो अब क्या होगा, जो पानी बचा है वो ही जा रहा है, बस इनफ्लो बहुत कम हो गया और आउटफ्लो बहुत बढ़ गया है, तो वेज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, क्या, स्टोरेज इज इक्वल्स टू प्रिज्म स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज। और जो प्रिज्म स्टोरेज है वो किस पे, किसके साथ है, या किस पे डिपेंड करता है ये स्टोरेज, जैसा अभी तक रिजर्वायर में देखा था हमने, रिजर्वायर राउटिंग में वहां सिर्फ प्रिज्म स्टोरेज था है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एस किस पे डिपेंड करता है इसका स्टोरेज, आउटफ्लो डिस्चार्ज पे। और वेज स्टोरेज जो अपना लेवल चेंज करते जा रहा है, वो उस पे उसका स्टोरेज किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो इनफ्लो और आउटफ्लो पे। जब इनफ्लो ज्यादा था, आउटफ्लो कम था, तो वेज स्टोरेज पॉजिटिव था, ठीक है। जब इनफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो बढ़ गया, तो वेज स्टोरेज नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, शुरू यहाँ पे वेज, ये वेज ही तो बना है ना, एक ट्रायंगल शेप बना है, लेकिन नेगेटिव बना है, मतलब यहाँ पे कम था पानी, आउटफ्लो ज्यादा था, इनफ्लो कम था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लिखना था, नेगेटिव लिख दिया गलती से, है ना। यहाँ पे आया पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनफ्लो बढ़ गया, आउटफ्लो कम हो गया, तभी तो वेज कैसा बना, पॉजिटिव वेज बना एक, ठीक है। इस रीच पे, यहाँ रीच लिख लेते हैं हम, रीच 1 2 3 हो गया, ये मान लो रीच 1, रीच 2 और ये हो गया आपका रीच 3, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, तो अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आओ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम अच्छे से। तो क्या हो गया, देखो स्टोरेज इज इक्वल्स टू, स्टोरेज इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, स्टोरेज इज इक्वल्स टू प्रिज्म स्टोरेज है ना, प्रिज्म स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज, ठीक है। और हमने क्या सीखा अभी तक, कि प्रिज्म स्टोरेज किस पे डिपेंड करता है, एस किस पे डिपेंड करता है, आउटफ्लो पे, और मेरा वेज स्टोरेज का किस पे डिपेंड करता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पे, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहां पे लगा देंगे एस इज इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है। अब ये के क्या है, तो देखो के क्या है, ये है टाइम फैक्टर, ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाइम पे आएगा आपका एलिवेशन, आउटफ्लो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये के क्या हो गया हमारा, टाइम फैक्टर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो एस का यूनिट क्या होता है, एस स्टोरेज का यूनिट क्या होता है, स्टोरेज का यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है ना, स्टोर करते हो आप कुछ चीज,
पानी स्टोर कर रहे हो तो किसमें करते हो, वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में, या लीटर में बोल सकते हो, है ना। और ये क्या है मेरा Q, Q है डिस्चार्ज, ये किसमें होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो अब अगर मेरे को इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं टाइम फैक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वेज स्टोरेज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा आई और क्यू के डिफरेंस पे, इनफ्लो और आउटफ्लो के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एस इज इक्वल्स टू के एक्स आई माइनस क्यू, तो के तो सेम हो गया हमारा टाइम फैक्टर जो था, एक्स यहां पे वेटेज फैक्टर है, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, वेटेज फैक्टर लिख लेंगे, एक्स है हमारा वेटेज फैक्टर, वेटेज फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेज, डिपेंड करेगा किस पे, वेज के शेप पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे, अगर अगर मेरा वेज अपने हाई पॉइंट पे है, अगर वेज हाई पॉइंट पे है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.5, और अगर एक्स अपना वेज जीरो है यहां पे है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आप देखोगे कि अगर जैसे ही वेज स्टोरेज यहां आ जाएगा इस पॉइंट पे, जब एक्स है जीरो, ठीक है, तब ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लो एक्स से, एक्स अगर जीरो हो गया तो अब उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आई माइनस क्यू से या के से, तो वो क्या हो जाएगा, स्टोरेज जीरो ही रहेगा एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो, ठीक है। मतलब यहां पे देखो खत्म हो गया, यहां पे देखो इस वाले में देखो, यहां पे आके वेज स्टोरेज खत्म हो गया, तो अब क्या बचा सिर्फ आपके पास, सिर्फ क्या बचा, प्रिज्म स्टोरेज, क्या बचा, सिर्फ प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है। तो यहां देखो क्या फॉर्मूले में भी अगर मैं लिखना चाहूं ऐसा, फॉर्मूले को अगर हम टोटल लिखना चाहें, टोटल स्टोरेज, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देखते हैं हम टोटल स्टोरेज को क्या लिख सकता हूं, मैं टोटल स्टोरेज को मैं लिख सकता हूं, टोटल स्टोरेज इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं फॉर्मूला, देखो प्रिज्म के लिए क्या बनाया हमने फॉर्मूला, के क्यू प्लस के एक्स आई माइनस क्यू लिख सकता हूं मैं ऐसा, है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, देखो मैं लिख सकता हूं के क्यू प्लस के एक्स आई माइनस क्यू लिख सकता हूं मैं, ये इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। अब यहां पे अगर x की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ के क्यू, है ना। और स्टोरेज अगर के क्यू पे डिपेंड किया तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगी हमारी रिजर्वायर राउटिंग, ठीक है। बिना वेज के चैनल राउटिंग भी क्या कहलाएगी, रिजर्वायर राउटिंग जैसा ही बिहेव करेगी, क्योंकि सिर्फ प्रिज्म स्टोरेज रहेगा उसमें, ठीक है। क्लियर है ये फॉर्मूला। चलिए अब हम इससे कैसे मस्किंगम इक्वेशन डिफाइन करेंगे वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, देखो स्टोरेज इज इक्वल्स टू प्रिज्म स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज, ठीक है। और मैंने प्रिज्म स्टोरेज का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, के क्यू, और वेज स्टोरेज का फॉर्मूला क्या हो गया था हमारा, के एक्स आई माइनस क्यू, ठीक है। और के क्या था, स्टोरेज टाइम कांस्टेंट लिख लो, के क्या था, स्टोरेज टाइम कांस्टेंट, और एक्स क्या था हमारा, वेटेज फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द वेज, बताया था मैंने आपको। अब अगर हम इसको खोल दें पूरा तो ये क्या बन जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूं इसको के क्यू प्लस के आई एक्स माइनस क्यू एक्स, ये लिख सकता हूं मैं, है ना। अब अगर मैं के कॉमन ले लूं, के कॉमन ले लूं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो के आई एक्स माइनस, ठीक है, आई एक्स लिख सकता हूं मैं, के आई एक्स, फिर अब हम यहां देख लेते हैं प्लस प्लस
क्यू क्यू एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। के कॉमन हो गया पूरा बाहर, ये अपना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ठीक है। या इसका एक स्टेप और खोल दूं क्या, ठीक है ना, इतना ही। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पे एक और टर्म आ जाता है एम, आई के ऊपर और क्यू के ऊपर, ठीक है। एम क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर मेरा चैनल आर्टिफिशियल है, ठीक है, फॉर आर्टिफिशियल चैनल, फॉर आर्टिफिशियल चैनल एम की वैल्यू हो जाती है 0.6, और फॉर नेचुरल चैनल एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो अगर मैं नेचुरल चैनल के लिए लेके चलूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास के आई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है, यही बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक, चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमने एक और बेसिक इक्वेशन देखी थी, एक हमने बेसिक इक्वेशन देखी थी, वो क्या थी, बेसिक इक्वेशन थी आपकी चेंज इन स्टोरेज S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू क्या था मेरा, I1 प्लस I2 डिवाइड बाय डेल्टी, सॉरी डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टी डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टी, ठीक है। यहां तक देखा था हमने, माइनस माइनस क्या था, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 डेल्टी, ये मिली थी हमको दो इक्वेशन, ये वाले लेते हैं 1, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। ये बेसिक बताया था ना मैंने, याद है, इस पर देख के देखो, ds बाय dt चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल्स टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ऐसा किया था हमने, तब आके तब जाके ये इक्वेशन डेवलप हुई थी एक रीच के लिए, ठीक है। चलो तो अब ये जब दोनों इक्वेशन आप निकालते हो, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा मस्किंगम इक्वेशन, जो कि है क्या, जो कि है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q2 इज इक्वल्स टू सी नॉट I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1, ठीक है। तो देखो मेरे पास इनफ्लो है और आउटफ्लो का भी एक है, हमको सेकेंड आउटफ्लो निकालना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मस्किंगम इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मस्किंगम इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जो सी नॉट है, सी वन है और सी टू है, वो क्या है, वो है कांस्टेंट, ठीक है, और सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू बराबर होता है 1 के, ठीक है। ये कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेता है 1 मार्क में, कि सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। या फिर आपको सी नॉट और सी टू की वैल्यू दे देगा, सी वन पूछेगा, ठीक है, दो किसी दो की वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछ लेता है एक नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको बड़े तरीके से हमको करना पड़ता है, तो अब हम वैल्यू देख लेते हैं कि सी नॉट सी वन और सी टू की वैल्यू आप निकालते कैसे हो, ठीक है। तो देखो सी नॉट होता है, सी नॉट इज इक्वल्स टू, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स के 1 माइनस एक्स प्लस हाफ डेल्टी, ठीक है। देखो सबके डिनोमिनेटर में सेम आ रहेगा, सबके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, वो आ जाएगी सेम, क्या आ जाएगी, देखो के 1 माइनस एक्स प्लस हाफ डेल्टी, यहां भी आ जाएगा के 1 माइनस एक्स प्लस हाफ डेल्टी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप चाहो तो इसको खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है,
अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो सी नॉट इज इक्वल्स टू, नीचे लिख सकता हूं मैं, नीचे क्या लिख सकता हूं, अगर ओपन करके लिखूंगा तो ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ठीक है। सिमिलरली अगर c1 के लिए लिखूंगा तो भी यही आएगा, k माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, और c2 के लिए भी यही आ सकता है, देखो क्या, k माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, न्यूमरेटर में भी आप सेम वैल्यू लिख के इसका फॉर्मूला बना सकते हो, या मैं पहले आपको वैल्यू लिखवा देता हूं, वैल्यू रहती है के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ठीक है, और सेकेंड वाले एस c1 की वैल्यू रहती है के एक्स, यहां माइनस था के एक्स, यहां हो जाएगा प्लस के एक्स 0.5 डेल टी, और हमारे लास्ट टर्म की वैल्यू का न्यूमरेटर रहता है के एक्स माइनस 0.5 डेल टी, ठीक है। अब ये बन गया हमारा मेन वैल्यू। अब आप इसके लिए या तो अपनी कोई ट्रिक निकाल सकते हो, है ना, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसमें माइनस है साइन, इसमें माइनस साइन शिफ्ट हो गया, देखो पहले यहाँ जीरो था, यहाँ माइनस साइन एक प्लस में हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन इधर आ गया, ठीक है। चलो ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा, डिनोमिनेटर वाली चीज क्लियर है, ये तो हमेशा याद रहेगी, है ना, डिनोमिनेटर वाली चीज तो याद रहेगी, ऐसे याद रख सकते हो के वन माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब इसी को मान लो मैं न्यूमरेटर में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, खोल के इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर में लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा, लिखूंगा सेम चीज के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, यहाँ भी वही चीज लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ठीक है। तो अब देखो, अब पहले हम देखते हैं सी नॉट, तो अगर मैं ये तीनों टर्म ऊपर के इनको अगर नंबर दूं तो मैं इनको दे सकता हूँ 0, 1, 2, ठीक है, क्या दे रहा हूँ मैं इनको 0, 1, 2, ठीक है। तो ये देखो जीरो वाले टर्म के लिए जो मैंने बनाया है, जीरो वाले टर्म के लिए पहले हम सिर्फ जीरो को देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, तीन टर्म में बांट दिया मैंने, जैसे ये तीन कांस्टेंट है 0, 1, 2, है ना, C0, 1, 2, वैसे मैंने इनको नंबरिंग भी दे दी ऊपर वालों को, इसको बोला 0, इसको बोला 1, इसको बोला 2, ठीक है। तो C0 में सिर्फ क्या होगा, जो जीरो वाले टर्म की बात करेंगे हम, और जीरो वाला टर्म हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो देखो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, ये पूरा अगर कट जाएगा के, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ माइनस के एक्स प्लस हाफ डेल टी, ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा तीनों का, क्लियर है। अब देखो C1 के लिए अब हम दोनों टर्म लेंगे, ठीक है, C1 के लिए मैं दोनों टर्म लूंगा, लेकिन इसको कर दूंगा जीरो, इसको कर दूंगा जीरो, और इस टर्म वन टर्म को इसका बस मैं साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मुझे यही मिल गया के एक्स प्लस 0.25 डेल टी। अब टू में आते हैं, C2 में, तो इसमें मैं तीनों टर्म पे यूज करूंगा, तीनों टर्म पे कैसे यूज करूंगा, देखो ये तो हम जीरो ही मान लेते थे, जीरो वाली चीज, ठीक है, सेकेंड टर्म जब मैं इसमें आया फर्स्ट वाले में, तो इसका साइन कर दूंगा चेंज, ठीक है, इसका साइन कर दिया मैंने प्लस, और इसका साइन भी कर दिया मैंने चेंज, क्योंकि अब C2 है, ठीक है। देखो C0 में हमने सिर्फ जीरो वाले टर्म पे चेंजेस किए, C1 में मैंने जीरो और वन दोनों के चेंजेस किया, क्या किया, जीरो को जीरो ले लिया, जीरो टर्म को जीरो ले लिया, है ना, मैंने ये डिवाइड किया तीन में, ठीक है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तीन में मैंने डिवाइड किया है ना, इसलिए इसको ले लिया जीरो, अब इसको भी ले लिया जीरो, और वन वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया, ठीक है, माइनस था तो प्लस कर दिया। अब जैसे हम C2 में आए, तो मैंने तीनों टर्म में चेंजेस किए, लेकिन वही चेंजेस किए जो मैं ऊपर चेंजेस कर रहा था, ठीक है,
के को मैं जीरो ले रहा था तो मैंने जीरो लिया हर टर्म में, यहां मैं साइन चेंज कर रहा था तो यहां भी मैंने साइन चेंज किया, और आगे भी मैं साइन चेंज करूंगा सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो ये एक मेरी ट्रिक है, पता नहीं आपको समझ में भी आ रही होगी कि नहीं, ठीक है, कि हम जीरो वाले में सिर्फ पहला टर्म देखते हैं, सी वन में हम जीरो और वन, मैं इसको पहले ही ना बोल चुका हूँ, नाम दे दिया हूँ, पहला टर्म जीरो, सेकेंड टर्म वन, और इसको टू नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब सी वन में आया तो मैंने ये जीरो और वन दोनों के टर्म को चेंज किया, और सी टू में आया तो तीनों के टर्म चेंज हुए स्लाइटली स्लाइटली, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो हमारी मेन मस्किंगम इक्वेशन ये बन जाती है। अब अगर मैं इसको टोटल लिखना चाहूं तो कैसा लिख सकता हूं मैं इसको, तो मैं इसको टोटल में लिख सकता हूं, देखो Q2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के, सॉरी पहले क्या आएगा आपका, सी नॉट आएगा, है ना, तो मैं लिख सकता हूं माइनस के एक्स प्लस 0.5 टी डिवाइडेड बाय के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टी मल्टीप्लाई विथ क्या है हमारे पास, I2 प्लस, है ना, यहां मैं लिख देता हूं इसको ग्रीन से, I2 प्लस अब क्या टर्म आएगा, C1, तो C1 क्या है, देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, k माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टी। अब C1 क्या हो जाएगा, देखो सेम k का टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस 0.5 डेल्टी, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, I1, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर तो सेम है मेरे पास, के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टी। अब इसी में चेंज लाके मैं ऊपर लिखूंगा, तो देखो पहला टर्म तो हो गया जीरो, पहला टर्म क्या मानते हैं हम, जीरो, दूसरे का मैंने साइन चेंज किया तो ये हो जाएगा के एक्स, अब यहां पे प्लस है, इसका भी मैं साइन चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 डेल्टी, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन बनी मेरी, ये जो पूरी इक्वेशन बनी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा मस्किंगम इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, मस्किंगम इक्वेशन। देखो यहां पे भी सेम इक्वेशन है, बस हमने यहां पे सी नॉट, सी वन और सी टू की वैल्यू को पुट करके रख दिया यहां पे, ठीक है, डेल्टी, ये भी क्या होगा डेल्टी, सॉरी यहां पे भी आएगा डेल्टी, ठीक है, यहां पे भी ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा डेल्टी, यहां पे आ जाएगा डेल्टी, ठीक है, ये गलती हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, इसको सुधार लेंगे, ये भी हो जाएगा डेल्टी, क्लियर है। मस्किंगम इक्वेशन हमने कैसे डिराइव की और उसके कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने कैसे आपको एक शॉर्टकट मेथड बताई, जब सी नॉट टर्म था तो हमने जीरो पे चेंज किया था, सी वन में जीरो और वन दोनों में चेंज करूंगा मैं दो टर्म में, और सी टू में तीनों में चेंज करूंगा, चेंज क्या रहेंगे, सी नॉट के लिए जीरो हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, और वन के लिए साइन चेंज होगा और टू के लिए भी साइन चेंज होगा बस, ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू ये याद रखनी है के वन माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टी, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मस्किंगम इक्वेशन हमने देख लिया क्या था, कैसे बना था, है ना, अब एक क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड, अ डिटेंशन रिजर्वायर वॉज फाउंड टू हैव लीनियर स्टोरेज, ठीक है, कैसा है इसमें स्टोरेज, लीनियर है, मतलब वेज स्टोरेज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्रिज्मेटिक स्टोरेज, ठीक है। देखो लिया भी है डिस्चार्ज रिलेशन S इज इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है, यही होता है, ये किसका होता है, प्रिज्म स्टोरेज का, है ना। नेक्स्ट हमने क्या देखा, शो दैट स्टोरेज राउटिंग इक्वेशन ऑफ एन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ थ्रू दिस रिजर्वायर इज क्यू इज इक्वल्स टू C1 I1 बार प्लस C2 Q2, ठीक है, ये हमको निकालना है, ये हमको डिराइव करना है, ठीक है, वेयर C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स एंड I बार होगा, सॉरी ये I बार इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 बाई टू,
तो ये जो आई बार है वो किसके बराबर है, वो इनफ्लो का एवरेज है, ठीक है, दो इनफ्लो का एवरेज है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, सी वन और सी टू का हमको वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ के एंड द राउटिंग टाइम डेल्टी, डेल्टी और के टर्म्स में हमको सी वन और सी टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ के इज इक्वल्स टू 4 आवर्स एंड डेल्टी इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, राउट द फॉलोइंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ थ्रू दिस रिजर्वायर एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड आई वन इज इक्वल्स टू आई क्यू वन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमको एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सी वन और सी टू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि स्टोरेज किसके बराबर है, के क्यू के बराबर है, गिवन है ये, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चेंज इन स्टोरेज एस टू माइनस एस वन इज इक्वल्स टू के क्यू टू माइनस के क्यू वन, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और सेम वैसे ही एस टू माइनस एस वन से हमने एक अपनी बेसिक इक्वेशन निकाली थी, क्या था बताओ, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने, आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू डेल्टी प्लस, सॉरी यहां पे था माइनस, है ना, हमने क्या निकाला था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज बेसिक इक्वेशन में। तो ये एवरेज इनफ्लो हो गया माइनस एवरेज आउटफ्लो हो गया मेरा ये, ठीक है, जिससे हमने मस्किंगम इक्वेशन डिराइव करी थी, है ना, इसी और दूसरे इक्वेशन से मिलके हमने डिराइव करी थी। तो अभी हम देखेंगे, देखो हमने C1 और C2 कैसे निकाला था वहां पे, है ना, C0, C1, C2 कैसे निकाला था वो अब देख लेते हैं। तो अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि A इज इक्वल्स टू B एंड A इज इक्वल्स टू C, तो B इज इक्वल्स टू C बोल सकता हूं ऐसा मैं, है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं के क्यू टू माइनस के कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है, अभी नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है, चलो एकदम बेसिक स्टेप से चलेंगे, माइनस के क्यू वन इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं क्या, इज इक्वल्स टू, देखो अब यहां पे इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है आई बार, है ना, आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू आई बार। तो मैं यहां लिख सकता हूं आई बार डेल्टी डिवाइड बाई टू की जरूरत नहीं है, आई बार डेल्टी लिख देता हूं मैं सिर्फ, है ना, क्योंकि ये पूरा टर्म आई के बराबर है, यहां गिवन है, देखो आपको आई बार के गिवन है कि आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू किसके होगा, आई बार के बराबर, ठीक है। चलो अब माइनस इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा माइनस Q1 डेल्टी डिवाइड बाई टू प्लस Q2 डेल्टी डिवाइड बाई टू, ये लिख सकता हूं मैं, सॉरी यहां पे भी आ जाएगा क्या माइनस, यहां पे भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है और डेल्टी भी मल्टीप्लाई हो गया। अब एक इक्वेशन मिल गया हमको ये, अब मैं इसमें बोलूंगा अपन को Q2 निकालना है, है ना, हमको क्या निकालना था Q2, यहां मैं ठीक कर देता हूं, ये था हमारा Q2 और ये था Q1, ठीक है, ऐसी होती है ना बेसिक इक्वेशन, Q2 निकालते हैं हम मस्किंगम इक्वेशन में, है ना। तो देखो अब Q2 क्या आएगा आपका, अब मुझे Q2 निकालना है तो Q2 एक साइड ले लूंगा मैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं K Q2 ये वाला माइनस टर्म यहां आके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्लस Q2 डेल्टी बाई टू लिख सकता हूं ऐसा। आगे अब देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे I बार डेल्टी माइनस, या ये वाला टर्म यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं प्लस के क्यू वन माइनस
डेल टी बाई टू ये लिख सकता हूं मैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, Q1 डेल टी बाई टू, ठीक है, फिर से वैसे ही आ गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब ठीक है, अब सही है। चलो इसको भी मिटा देते हैं, अच्छे से कर देते हैं। तो अब हमको ये एक इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमको तो निकालना है Q2। तो अगर मैं Q2 कॉमन ले लूं, Q2 यहां पे कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा टर्म, यहां पे देखेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास टर्म। चलो आओ देख लेते हैं। तो ये देखो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, Q2 इज इक्वल्स टू Q2 ब्रैकेट में K प्लस डेल टी बाई टू। Q2 कॉमन ले लिया दोनों टर्म में मैंने, तो मैं लिख सकता हूं K प्लस डेल टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा I बार डेल टी, I बार डेल टी प्लस प्लस, अगर मैं Q1 बाहर ले लूं, ये दोनों टर्म में Q1 है, Q1 कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 डेल टी डिवाइड बाई टू अपॉन, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा K माइनस डेल टी डिवाइड बाई टू, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, एकदम स्लो लेके आया हूं मैं, इसलिए Q1 कॉमन निकाला तो K माइनस डेल्टी बाई टू बचा है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को किस टर्म में चाहिए है चीजें, चीजें मुझे इस टर्म में चाहिए है, और देखो यहां कुछ वैसा ही बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको उस इक्वेशन वैसा लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं Q2 इज इक्वल्स टू, Q2 इज इक्वल्स टू आई बार मल्टीप्लाई विथ डेल टी डिवाइड बाई, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा दोनों के, तो मैं यहां लिख देता हूं K प्लस डेल टी डिवाइड बाई टू, ठीक है, प्लस Q1 K माइनस डेल टी डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाय के प्लस डेल टी डिवाइड बाई टू, ठीक है। जब ये के प्लस डेल टी डिवाइड बाई टू यहां पे आएगा, तो ये दोनों टर्म से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों टर्म से इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे तो ये इक्वेशन अच्छे से देखो, ये इक्वेशन जो कि है Q2 इज इक्वल्स टू आई बार ब्रैकेट में डेल टी अपॉन के प्लस डेल टी बाई टू प्लस Q1 के माइनस डेल टी बाई टू अपॉन के प्लस डेल टी बाई टू, तो ये चीज और ये चीज आपको अब इस इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है क्या, बता दो, इस इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है। तो C1 और C2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं अब, तो देखो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं C1 इज इक्वल्स टू, C1 किसके बराबर हो जाएगा, चलो पहले यहां पे एक और बेसिक इक्वेशन भी लिख देते हैं जो वहां पे लिखी हुई है, वो क्या है, देखो Q2 C1 I बार प्लस C2 Q1 ये है, ठीक है। अब यहां पे देखो I बार तो है, C1 क्या हो जाएगा फिर, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, डेल टी डिवाइड बाय के प्लस डेल टी बाई टू, ये लिख सकता हूं मैं C1 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, C2 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं के माइनस डेल टी डिवाइड बाई टू प्लस के प्लस डेल टी डिवाइड बाई टू, ये लिख सकता हूं मैं C2 की वैल्यू। तो आपको यही बोला था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 C2 इन टर्म्स ऑफ के एंड टाइम स्टेप डेल्टी। तो यहाँ पे देखो C1 और C2 की वैल्यू
हमने निकाल लिया के और डेल्टी के टर्म्स में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो अच्छे से पढ़ो। इफ के इज इक्वल्स टू 4 आवर एंड डेल्टी इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, राउट द फॉलोइंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ थ्रू दिस रिजर्वायर एट टी इज इक्वल्स टू 0, I1 इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको इनफ्लो हाइड्रोग्राफ दिया है, तो अब हम बना लेंगे एक टेबल इस टाइप से, जहां हमको आवर होगा हमारे पास इनफ्लो होगा, हमको I1 बार चाहिए होगा, I1 C1 इंटू I1 बार का पूरा चाहिए होगा और C2 इंटू Q1 बार का, सॉरी Q1 का पूरा डाटा चाहिए होगा। तब हम क्या निकाल पाएंगे, Q2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q2 इज इक्वल्स टू C1 डेल I बार प्लस C2 Q1, ठीक है। ये दोनों टर्म को ऐड करोगे आप तो मिल जाएगा। अब उसके पहले हमको C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर, तो मैं यहां लिख देता हूं इफ के इज इक्वल्स टू 4 आवर्स एंड डेल्टी इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, ठीक है, डेल्टी इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, तो मेरे पास C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पे देखो सॉल्व करोगे आप तो C1 की वैल्यू क्या आ रही है, पहले रख देते हैं वैल्यूज, तो डेल्टी की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं C2 की वैल्यू, चलो पहले यही निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 बाई 5, मतलब 0.4 आ गई C1 की वैल्यू 0.4। अब आप निकालोगे C2 की वैल्यू, तो ये आएगी 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, डेल्टी की वैल्यू 2 है, डिवाइड में भी 2 है, यहां लिखूंगा मैं 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 बाई 5, क्या बन जाएगा ये 3 बाई 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6। तो अब मेरे पास C1 भी है, C2 भी है, और आपको पता है यहाँ पे C0 नहीं है। अब आप चेक भी कर सकते हो कि सही आया है कि नहीं, तो आपको पता है C0 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, C0 0 है, C1 0.4 है, C2 0.6 है, तो 1 के बराबर हो गया, मतलब हमने सही वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। चलो अब हम ये टेबल फिल करते हैं, तो टेबल फिल करोगे आप तो देखे पहले क्या लिखेंगे हम, आई बार, ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, 0 के टर्म में लिखा हुआ है, 0 ही रहेगा I1 और Q1, तो यहाँ पे तो हम छोड़ देते हैं सारी वैल्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, देखो आई बार कैसे निकालना है, आई बार का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आई बार का फॉर्मूला दिया है, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 0 प्लस 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 40, ठीक है, 140 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपके पास 70। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया वैल्यू थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, 20 पे 10 नहीं है, 18 पे है, मैंने एक वैल्यू ज़्यादा लिख दी थी, ठीक है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं हम, तो ये 60 के बाद क्या आ रहा है, 60 के बाद आ रहा है 100, तो यहाँ 70 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, 60 प्लस 100 160 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80, लिख देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा, पहले हम इनफ्लो लिख देते हैं पूरा सही से, तो ये हो जाएगा 80 60 40 30 20 10 0, अब सही है, ठीक है, अब देख लो, आप चेक कर लो, अब सही है ना ये वाला इनफ्लो, 0 20 60 100 80 60 40 30 20 10, और यहाँ पे भी 0 20 60 100 80 60 40 30 20 10, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं 60 प्लस 100 160 डिवाइड बाई 2 80,
आ गया 80। अब नेक्स्ट करोगे आप 100 प्लस 180, सॉरी 100 प्लस 80 180 डिवाइड बाई 2 90, वापस कितना आ जाएगा देखो 80, ये 80 है ना, 80 है, थोड़ा सा मोटा हो गया 80। चलो तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, फिट कर देते हैं इसको, तो 80 प्लस 60 कितना हुआ 120 140 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपके पास 70। ठीक है, 70 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी मेरे पास 60 प्लस 40 100 डिवाइड बाई 2 50। ठीक है, 50 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 35, नेक्स्ट आ जाएगा 25, नेक्स्ट आ जाएगा 15, नेक्स्ट आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, तो यहां तक आ चुका है मेरे पास वैल्यू, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब हमको क्या चाहिए है, अब हम निकाल सकते हैं ये C1 I बार। तो क्या करूंगा मैं, सबको 0.4 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। देख लेते हैं यहां पे, तो C1 I बार अगर मैं 0.4 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। नेक्स्ट 0.4 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16 और 160 होगा, एक पॉइंट लगा दिया हमने, वहां भी एक पॉइंट हटाया, तो 4 8 32 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आएगी, नेक्स्ट 90 है, 90 इंटू 0.4 36, तो मैं यहां लिख देता हूं 36। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 70, 70 इंटू 4 28, तो मैं यहां लिख देता हूं 28, है ना, 7 इंटू 4 कर रहा हूं मैं, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 28 क्या 20। नेक्स्ट 35 इंटू 4, तो ये होता है 140, लेकिन एक जीरो हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट 25 इंटू 0.4, तो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 आता है, एक जीरो हटा देंगे तो बन जाएगा 10। अब 15 इंटू 0.4 करूंगा मैं तो आएगा मेरे पास 6। सिंपल है, ये कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ रही अभी हमको, ठीक है, आगे लेकिन पढ़ सकती है, देखेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया 6 आपके पास। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 5, तो 5 से आप 0.4 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास 2 2 आएगा। नेक्स्ट 0 0 0, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको Q1 की वैल्यूज निकालनी है, फिर हम Q2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q1 की जो पिछली Q2 की वैल्यू होती है वही Q1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो है, ये जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था। ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या आया है, इसकी वैल्यू क्या करूंगा मैं, 0 इंटू 0.6 0। ठीक है, जो पुरानी Q2 की वैल्यू होती है वही नए वाले की Q1 वैल्यू कहलाती है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया जीरो, आउटफ्लो है ना, वही तो करोगे आप, एक सेक्शन में अलग आउटफ्लो आ रहा है, एक सेक्शन में अलग आ रहा है, तो जो इसका पुराना आउटफ्लो था वही इसका क्या बन जाता है, नए वाले का Q1 बन जाता है जो Q2 था। ठीक है, चलो तो ये हम क्या करेंगे, अब ये 4 प्लस 0, तो Q2 की वैल्यू आएगी 4, तो अब नए Q1 की वैल्यू क्या आएगी, नए Q1 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 0.6, वो आएगा 2.4, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 18.4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 18.4 इंटू 0.6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा 18.4 इंटू 0.6, ये आ रहा है 11.04। कितना आ रहा है 11.04,
04, ठीक है। तो जब मैं इसमें 32 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.04, ठीक है, आ रही है वैल्यूज। चलो अब वैसे ही हम आगे निकालते जाएंगे, तो आगे देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास। ब्लू थोड़ा मोटा हो जा रहा है लिखने में, तो अब हम रेड से लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 43.04 मल्टीप्लाई विद 0.6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 43.04 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 25.824, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 25। तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज ही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज ही लिखूंगा। चलो टेबल थोड़ा छोटा हो गया है ना, कोई नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। चलिए तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 43.04 इंटू 0.6, तो मैं कर दूंगा 43.04 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 25.82, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 25.824 आ रहा है, तो मैं 82 ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा प्लस 36, तो ये हो जाएगा 61.82। 36 किया मैंने ऐड, है ना, इक्वेशन, क्योंकि क्या है इक्वेशन, Q2 इज इक्वल्स टू C1 I1 बार प्लस C2 Q1, तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 61.82 मल्टीप्लाई विद 0.6, 61.82 मल्टीप्लाई विद 0.6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 37.09। तो अब मैं जिस इसमें 28 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 65.09, है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब यही 65.09 मल्टीप्लाई विद 0.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 39.0552 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 20 की जरूरत नहीं थी कैलकुलेटर की, तो ये हो जाएगा 59.06, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, यही 59.06 मल्टीप्लाई विथ 0.6 करूंगा, 0.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 35.44, तो ये आ जाएगा 49.44, ठीक है। जब मैं इसको 14 ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा 49.44। अब मैं क्या करूंगा, यही 49.44 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 से, तो ये आ जाएगा 29.66, ये आएगा 29.66। और जब मैं इसमें 10 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 39.66, और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो आ रहा है मेरे पास 17.8, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है, 17.8 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 17.8 को इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी इसको हम पहले ऐड कर लेंगे, 17.6 प्लस 6 प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा 23.8, ठीक है, 17.8 प्लस 6, तो 23.8। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस 0.6 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14.16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16.16, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रही है मेरे पास, तो नेक्स्ट आ रही है मेरे पास, अब ये 16 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.6 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8.5, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 8.5। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 से, तो ये आ जाएगा 5.1,
है ना, यहाँ भी लिख देंगे हम 5.1, क्योंकि अब इनफ्लो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, अब मेरा हाइड्रोग्राफ नीचे आ रहा है, देखो डिस्चार्ज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3.06। ठीक है, लास्ट आ जाएगा 3.06। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम। देखो 39.66 आया यहाँ पे, अब ये 39.66 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.6 से, तो आएगा आपके पास 23.8। कितना आएगा 23.8, इसमें 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 23.8 प्लस 6, ये हो जाएगा 29.8। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस 0.6 से, तो ये हो जाएगा 17.88। तो मेरा जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो 19.88 आएगा। अब 19.88 प्लस 2 किया तो 19.88 इंटू 0.6 तो ये आ जाएगा मेरे पास 11.93। ठीक है, तो यहां भी क्या आएगा 11.93, क्योंकि यहां इनफ्लो जीरो हो चुका है। अब मेरा जो हाइड्रोग्राफ है वो क्या होगा, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो तो 11.93 मल्टीप्लाई पर 0.6 तो ये हो जाएगा आपके पास 7.16। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 से तो ये मेरे पास हो जाएगा 4.3, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 0.6 से तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.57, और लास्ट वैल्यू आएगी 2.57। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 7.16, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 7.16, और उसके पहले क्या आई थी हमारे पास वैल्यू, उसके पहले हमारे पास वैल्यू आई थी 4.29। और लास्ट अगर आप 28 का भी बनाना चाहो तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 28-30 का भी, तो 28 में वैल्यू आएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से, 0.6 से, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 2.57 या 2.58 बोल सकते हो। ठीक है, और इसको एक बार और करोगे तो आ जाएगा 0.92, बस यहाँ तक बहुत है आपके पास, 0.93। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, सिंपल मेथड है ये एज कंपेयर टू मॉडिफाइड पुल्स, और हमने एक और क्या देखा था रिजर्वायर राउटिंग में, गुडरिच मेथड। ठीक है, दोनों से सिंपल है, बस C1 और C2 हमको निकालना या फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द स्टोरेज इन द रीच हैज बीन स्टडीड, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड के इन मस्किंगम इक्वेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज 0.28 एंड 1.6 डेज इफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ टू द रीच इज गिवन बिलो, कंप्यूट द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। ठीक है, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ निकालना है हमको, एज्यूम द आउटफ्लो फ्रॉम द रीच एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एज 35 m³/s। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको C0, C1 और C2 चाहिए। ठीक है, तो देखो C0 का क्या होता है फॉर्मूला, C0 का क्या होता है फॉर्मूला, C0 इज इक्वल्स टू, है ना, और यहां पे लिख लेते हैं हम C1 इज इक्वल्स टू, और यहां लिख लेते हैं हम C2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैंने लिखना बताया था, पहले हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं, k ब्रैकेट 1 - x प्लस 0.5 ∆t। ठीक है, तो अगर मैं उसको खोल दूंगा तो वो क्या बन जाता है, k - kx + 0.5 ∆t। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है ना, तो हम लिख देते हैं सबका सेम डिनोमिनेटर डेल्टी, और यहां पे भी आ जाएगा k - kx + 0.5 ∆t।
ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर। उसके बाद हम न्यूमरेटर के लिए क्या करते हैं, जीरो, सी जीरो, तो जीरो टर्म पहला, जीरो टर्म क्या होगा, जीरो होगा, और पहले वाले टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टी, ठीक है। अब C1 वन वाले टर्म में, मतलब अगर मैं इसको पहले टर्म को जीरो मानू, इसको वन मानू, तो इसमें चेंज होगा क्या, साइन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा के पहला वाला टर्म तो जीरो ही होगा हर केस में, मैंने बताया था के एक्स प्लस 0.5 डेल एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम C2 में क्या करते हैं, अब सेकेंड वाले टर्म का भी साइन चेंज होगा, पहला वाला टर्म जीरो होगा, नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के माइनस 0.5 डेल्टी, ठीक है। आ गई हमारे पास वैल्यूज, मतलब फॉर्मूला आ गया। अब हम लिखेंगे, अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.28 और हमारा के की वैल्यू क्या है, 1.6 डेज। तो अब हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, के हमेशा है ना टाइम पीरियड में रहता है, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं। आवर में, तो आवर में ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, आवर में 1.6 × 24, है ना, एक दिन क्या होता है 24 घंटे का, तो 1.6 डेज में कितने आवर्स आ जाएंगे, इंटू 24, तो ये हो जाएगा 38.4 आवर्स, ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें रख देते हैं वैल्यूज को सी नॉट, सी वन और सी टू के लिए। तो अब देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, तो के है मेरे पास 38.4 माइनस में प्लस 0.5 डेल्टी, कितना दिया हुआ है आपको डेल्टी, यहाँ पे हमको देखो कितना है डेल्टी, डेल्टी डिफरेंस कितना आ रहा है, 6-6 घंटे का है, तो डेल्टी ले लेंगे 6 आवर्स इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है 38.4 माइनस 38.4 इंटू 6, सॉरी एक्स की वैल्यू 0.28 है, तो यहाँ आ जाएगा 38.4 इंटू 0.28 प्लस 0.5 इंटू 6, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस 38.4 प्लस 3, 0.5 इंटू 6 3, डिवाइडेड बाय 38.4 माइनस 38.4 मल्टीप्लाई विद 0.28 प्लस है यहाँ पे प्लस 3, तो ये आ रहा है मेरे पास, वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, वैल्यू आ रही है मेरे पास, वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हमारा बच गया था कुछ, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 प्लस 0.5 इंटू 6, तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ रही है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास, चेक कर लेते हैं हम, वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 0.25293, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.253, ठीक है, तो वैल्यू आ रही है माइनस 0.253, ठीक है। अब वैसे ही मैं C1 की वैल्यू निकालूंगा, तो देखते हैं C1 की वैल्यू क्या आ रही है, C1 की वैल्यू के लिए आप क्या रखोगे, सेम वैसे ही, बस ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 38.4 प्लस 0.5, फिर वही गलती कर रहे थे हम, है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी लिखना है हमको 0.28 प्लस 0.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ठीक आ रहा है, डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, देखो फॉर्मूला क्या है, के कितना है 38.4
4 माइनस 38.4 इंटू 0.28 प्लस 0.5 इंटू 6। तो अब देखो क्या आ रही है वैल्यू, अब आ रही है मेरे पास वैल्यू 38.4 इंटू 0.28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 38.4 माइनस 38.4 मल्टीप्लाई बाय 0.28, ठीक है, प्लस क्या करूंगा मैं 3। तो अब ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 0.4487 आ रही है, 87, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं, ये आ रही है मेरे पास 0.4487, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, टोटल वन होता है तो मैं नेक्स्ट वैल्यू या तो ऐसे निकाल लूं, वन माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या कर दूंगा, देख ले, रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.4487 और यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 0.253, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या आ रही है वैल्यू, आप ऐसे भी कर सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते, चलो, है ना। तो इसको हम तीन डिजिट में ही ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 9449, ठीक है, यहाँ से भी 449। तो अब देखो क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू C2 की, तो C2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास, चेक कर लेते हैं हम, 1 माइनस 0.449 प्लस 0.253, तो ये निकल के आ रही है 0.804, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, टेबल पे आ जाते हैं हमारे, तो I की वैल्यू गिवन है, I2, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q2 निकालना है हमको यहाँ पे, Q2 इज इक्वल्स टू C2 I2 प्लस C1 I1 प्लस मैं करूँगा C2 Q1, तब मुझे मिल जाएगा मेरा Q2, ठीक है। चलो तो अब इसको रख देते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरा, फॉर्मूला है तुम्हारा I2 में क्या आ जाएगा, I2 के सामने मैं लिख दूंगा उसकी वैल्यू क्या है, I2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो C0, तो C0 की वैल्यू क्या आई है, C0 की वैल्यू आई है माइनस 0.253 इंटू I2, और I1 के साथ कौन रहता है, C1, है ना, तो C1 की वैल्यू क्या आई है 0.449, और Q1 के साथ कौन रहता है, C2, तो C2 की वैल्यू क्या आई है 0.804, ठीक है, सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम रखते हैं टेबल में और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले केस में I2 क्या हो जाएगा, I1 I2 क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, है ना, चेक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पहले वाले के लिए आप क्या करोगे, देखो 35 आया है आपका I, और I1 हो गया 35, I2 क्या हो गया 55, है ना। अब मैं इसको रख दे रहा हूँ वैल्यू में, और मेरे को एक और चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, देखो 35 कहाँ गिवन है, मुझे लिखा है एज्यूम द आई आउटफ्लो एज 35, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 35। चलो अब बाकी की वैल्यू आप क्या करोगे, 35 हो जाएगा आपका I1 और 55 हो जाएगा I2, ठीक है। अब इसके लिए देखो 55 इंटू क्या करूँगा मैं 0.253, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ रहा है देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 55 इंटू माइनस 0.253, तो ये आ रहा है मेरे पास माइनस 13.92, कितना आ रहा है -13.92, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 35 है I1, ये I2 जैसा ट्रीट होगा, ये I1 जैसा, ठीक है, तो 35 है I1, 35 इंटू 0.449, तो देखो कितना आ रहा है, ये कर लेते हैं हम, तो ये आएगा आपके पास अराउंड 0.449 इंटू 35 सॉरी इंटू 55 करोगे आप, है ना, 35 करोगे सॉरी, तो ये आएगा 15.72, कितना आ रहा है 15.72, ठीक है।
और Q1 क्या हो जाएगा, Q1 पुरानी Q2 की वैल्यू होती है, Q2 की वैल्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 35 इंटू 0.804। तो इसको कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, देख लेते हैं, 35 इंटू 0.804, तो ये आ रहा है मेरे पास 28.14, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में रख के Q2 निकाल लोगे। देखो ये टर्म की वैल्यू है मेरे पास, ये टर्म की भी है, ये टर्म की है, अब ये तीनों को ऐड करूंगा मैं तो मेरे को Q2 मिल जाएगा। तो मैंने ऐड किया तो पहला टर्म तो नेगेटिव है तो वो माइनस होगा ऑटोमेटिक, है ना, 72 प्लस 28.14, तो ये आ रहा है मेरे पास 29.94। कितना आ रहा है, 29.94, ठीक है। एक डिस्चार्ज आ गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब I2 क्या हो जाएगा, 92, I1 हो जाएगा 55 और Q1 कितना हो जाएगा, 29.94। चलो निकालते हैं, तो अब मैं करूंगा 92 इंटू 0.253, तो ये आ रहा है माइनस 23.28, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तो आ रहा था 276, हमने ले लिया 28, है ना, दो डिजिट में लेके चलेंगे सब कुछ। अब आप करोगे 55 इंटू 0.449, तो ये आपके पास आ जाएगा 24.695, तो मैं 7 ले लेता हूँ इसको, 24.7, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट है हमारे पास Q1, अब कितना हो जाएगा, 29.94 इंटू 0.804, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 24.07176। कितना आ रहा है ये, 24.07 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी की वैल्यू तो 1 है, छोटा है, ठीक है, तो इतना ही लेंगे हम। अब तीनों को ऐड कर दो आप, तो कितना आ रहा है आपके पास, 24.07 प्लस 24.7 माइनस, माइनस में है ये तो 23.8, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 24.97। कितना निकल के आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, ये निकल के आ रहा है मेरे पास 24.07 प्लस 24.7 माइनस 23.28, ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 25.49, लिख देता हूँ मैं 25.49, ठीक है, आ गया। अब आप नेक्स्ट के लिए I1 क्या लोगे, 92 और I2 कितना लोगे, 130, तो 130 इंटू 0.253, ये हो जाएगा आपके पास 32.89, लेकिन माइनस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम, हमारे पास I1 कितना है, 92, तो 92 इंटू 0.449, तो ये निकल के आ रहा है 41.308, तो मैं इसको लिख देता हूँ 41.31, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा 25.49 मल्टीप्लाई विथ 0.807, तो ये हो जाएगा आपके पास 20.49, ठीक है। कितना आ रहा है, 20.49। अब मैं तीनों को ऐड करूंगा, लेकिन इसमें माइनस साइन है तो ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो चलो कर लेते हैं, 32.89 माइनस 32.89 प्लस 41.31 प्लस 20.49, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 28.91, ठीक है। ये कोई एक हाइड्रोग्राफ है जो आधा है, देखो समझ में आ रहा है, आधा 140, अभी और वैल्यू आ सकती थी लेकिन हमको क्वेश्चन में इतना ही मिला था, ठीक है। चलो तो आधा ही निकालना था हमको, क्योंकि टेबल बड़ा हो जाता जबरदस्ती। चलो आगे देखते हैं, अब I2 क्या होगा, 160 और I1 क्या होगा, 130, ठीक है। तो I2 की वैल्यू निकालते कितना आएगा, देखो 160 इंटू 0.253, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 40.48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम I1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.449 से, तो I1 क्या है, I1 है 130 इंटू 0.449,
तो ये निकल के आ रहा है 58.37, 58.37। और मेरा Q1 क्या हो जाएगा, Q1 यही होगा पुराना Q2 28.91 मल्टीप्लाई विथ 0.804, तो ये निकल के आएगा 23.2436, तो 25 ले रहे हैं हम 23.25। ठीक है, देखो अब क्या आ रही है वैल्यू, अब मैं तीनों को ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएगा -40.48 प्लस 58.37 प्लस 23.25, तो ये आ जाएगा 41.14। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट निकालते हैं, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा, अब मैं ले लूँगा आई टू कितना 140, तो कितना आ रहा है 140 इंटू -0.253, तो ये निकल के आ रहा है 35.42। ठीक है, माइनस नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, अब हम ले लेंगे आपके पास आई टू, अब ले लो आई वन, ले लोगे आप 160, अब आई वन क्या हो जाएगा 160, तो 160 इंटू 0.449 ये निकल के आ रहा है 71.84। और Q1 क्या हो जाएगा, यही लास्ट वाला 41.414 इंटू 0.804, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 33.08 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 07656 है तो 08। अब तीनों को ऐड करोगे आप तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, -35.42 प्लस 71.84 प्लस 33.08, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 69.5। ठीक है, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है ना, हमारा प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया है, सिंपल था एकदम प्रॉब्लम, है ना। क्या किया हमने, पहले हमने ये एक चीज था इसमें कि आप K की वैल्यू 1.6 नहीं लेना है, आवर्स में लेना है, ठीक है, जिसमें डेल्टी है, जिसमें, ठीक है, डेल्टी डेज में होता तो उसमें भी हम डेज में ले लेते के को भी, ठीक है, लेकिन डेल्टी हमारे पास आवर्स में था तो हमको के भी आवर्स में ही लेना पड़ा, और हमने चेंज किया C2 के लिए, हमने 1 से माइनस कर दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद हमने पूरा टेबल जमाया फॉर्मूले के हिसाब से और फिर सारी वैल्यूज निकाल लिया आउटफ्लो की, ठीक है।